अपनी कई बार सेरी के फिर एक्सजेंडर से कोई ना कोई फाइल शेयर की होगी। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि सेरी या एक्सजेंडर या किसी तीसरे और सॉफ्टवेयर के जरिए आप कैसी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम निशान ज्योति, आप देखें इंसान बात। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल शेयरिंग आखिर काम कैसे करता है। मान लो आपके पास कोई फाइल है, आप अगर उसे किसी दूसरे या फिर अपने किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं विदाउट इंटरनेट, जो आपके पास है इस वक्त उससे आप शेयर करना चाहते हैं, तो ये बहुत फास्ट होती है। इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे कि शेयरइट, जेंडर इंस्टॉल करने होते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपकी जो फाइल है उसे आपके जो वाईफाई सर्वर है उसके जरिए अगले डिवाइस में शेयर करते हैं। यानी कि जैसे आप कोई इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं उसी प्रकार ये ऑफलाइन तरीके से फाइल को आगे शेयर करते हैं। जैसे इंटरनेट में जो भी फाइल आप मंगाते हैं वो सर्वर से आती है, इसी प्रकार जो आप फाइल शेयर कर रहे हैं वो डिवाइस जो फाइल भेज रहा है वो उसको खुद डिवाइस को एक पर्सनल सर्वर बना देता है और जिस डिवाइस में रहता है वो उसे डाउनलोड करता है। जैसे इंटरनेट में प्रोसेस होती है सेम वैसे ही प्रोसेस होती है, मगर यहाँ आपको डेटा कंज्यूम नहीं होता क्योंकि ये एक लोकल सर्वर होता है। इसमें आप फाइल इस डिवाइस से उस डिवाइस में भेज सकते हैं। मान लो अगर आप कोई फाइल अपने पीसी से मोबाइल में भेजना चाहते हैं या फिर पीसी टू पीसी शेयर करना चाहते हैं, तो पीसी टू पीसी शेयर करने के लिए आपके पास सीधा एक ऑप्शन होता है। आप जिस भी फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं उस फोल्डर की प्रॉपर्टी में जाइए, उसमें आपको ऊपर शेयरिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए। साथ में आपको वहाँ पर चूज करना होगा कि आप ये फोल्डर किस किस से चूज कर शेयर करना चाहते हैं। आप वहाँ पर एवरीवन को चूज कीजिए, उस फाइल को शेयर कीजिए। अब आप दूसरे कंप्यूटर में जाइए जो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी जिस वाईफाई नेटवर्क से वो कनेक्ट है उसी से वो कनेक्ट होना चाहिए। उस कंप्यूटर में जाकर आप उसमें जो नेटवर्क का फोल्डर होता है उसमें जाकर देखेंगे जो फाइल आपने शेयर की थी वो आपको वहाँ पर दिखाई देगी। मगर आप अगर वो कंप्यूटर की फाइल अगर मोबाइल में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मोबाइल में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, जिसके जो है ई एस फाइल एक्सप्लोर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ई एस फाइल एक्सप्लोर जैसे आप इंस्टॉल करते हैं इसमें आपको नेटवर्क ऑप्शन मिलता है। आप उस ऑप्शन में जाकर अपनी जो कंप्यूटर में सेव की गई फाइल है उसे सेम नेटवर्क से कनेक्ट करके अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ये होती है फाइल शेयरिंग। मुझे उम्मीद आपको पता चल चुका होगा कि जो ऑफलाइन फाइल शेयरिंग है ये कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।